नमस्कार। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आरएल सर्किट जो है वो क्या होता है और उसका डिटेल में जो है अपने को देखेंगे क्या इसका फॉर्मूला वगैरह होता है, क्वेश्चन वगैरह कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक जो है डायग्राम बना हुआ है आपको आरएल सर्किट का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है हमारा और ये हमारा क्या है, इंडक्टेंस है। तो ये हमारा जो वी आर और वी एल है, ये वोल्टेज ड्रॉप है रेजिस्टेंस में ड्रॉप एक्रॉस आर, और वोल्टेज ड्रॉप जो है ये इम्पीडेंस के एक्रॉस है। तो आपको पता है कि जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस और करंट के बीच में जो रिलेशन होता है, वी इक्वल्स टू आई आर होता है, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, और वोल्टेज इन इम्पीडेंस जो हो जाएगा करंट इनटू एक्सएल। इसी प्रकार जो है हम लोग ये देख सकते हैं जो इसका जो रिजल्टेंट जो है वोल्टेज जो निकालेंगे तो स्क्वायर रूट जो हो जाएगा वी आर प्लस वी एल। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आर क्या होता है, आई आर होता है, तो आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स एल का होल स्क्वायर। तो ऐसे करके अगर आप सॉल्व करेंगे अपन तो एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर इंटू एक्स। तो एक्चुअली यहाँ से जो है अपन ये देख सकते हैं, जैसे भी इक्वल्स टू वोल्टेज इक्वल्स टू जो है आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस के जगह पे जो है यहाँ पे जेड है, और जेड क्या होता है, यहाँ पे इम्पीडेंस होता है सर्किट का। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, वोल्टेज इक्वल्स टू करेंट इंटू अपन क्या लिखते हैं, इम्पीडेंस। आगे देखते हैं, जैसे कि अपन यहाँ देख चुके थे वी इक्वल्स टू क्या था, अपन आई इंटू जेड करेंट इंटू इम्पीडेंस। तो यहाँ आपको लिख देते हैं जेड इक्वल्स टू क्या है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट हमारा क्या है, जेड है। तो अपन आगे देख सकते हैं इसका कि इसको और भी सिंप्लीफाई करके जो है अपन ये लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू जो है करेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी अपन जेड हो जाएगा। तो अपन इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जो हमारा इम्पीडेंस जो है जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये अपन ये भी लिख सकते हैं अपन, जैसे जेड को अपन इम्पीडेंस कहते हैं, तो इम्पीडेंस इम्पीडेंस इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस का स्क्वायर, इम्पीडेंस स्क्वायर इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस का स्क्वायर, अगर अपन स्क्वायर दोनों साइड अगर कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं इम्पीडेंस स्क्वायर इक्वल्स टू रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस इंडक्टेंस रिएक्टेंस, इंडक्टेंस रिएक्टेंस का स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों साइड अगर एक्चुअली स्क्वायर रूट करेंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या जेड स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इंपीडेंस स्क्वायर इक्वल्स टू रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस इंडक्टेंस रिएक्टेंस स्क्वायर। तो एक्चुअली यहाँ से भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, और आगे अपन और देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है अगर क्वेश्चन वगैरह हमसे पूछा जाए तो। यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए देखते हैं, फिर एक डायग्राम अपन बनाते हैं, जैसे ट्रायंगल एक बनाते हैं। तो ट्रायंगल जो है हमारे पास ये क्या है, इम्पीडेंस है हमारा, ये हमारा इंडक्टेंस रिएक्टेंस है, और एक्चुअली इसको हम लोग रेजिस्टेंस है, ये एंगल हमारा थीटा है। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं करंट जो है लैग द अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पे क्या है करंट हमारा जो है, करंट क्या हो जाएगा, लैग द अप्लाइड वोल्टेज,
अप्लाइड वोल्टेज करंट लैग द अप्लाइड वोल्टेज भी बाय एन एंगल थीटा, बाय एन एंगल थीटा, इसको अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या होता है टेन इनवर्स वी एल अपन वी आर, वोल्टेज ड्रॉप जो है इम्पीडेंस कह रहा हूँ और वोल्टेज ड्रॉप जो है रेजिस्टेंस के अलाउ। तो इसको और भी सिंप्लीफाई करके अपन लिख सकते हैं टेन इनवर्स आई वी एल डिवाइड बाई आई आर, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है आई आर होता है। यहाँ पे अपन इंडक्टेंस रिएक्टेंस है, इंडक्टेंस रिएक्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो आगे देखते हैं, इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं टेन इनवर्स और एक्स एल अपन आर लिख सकते हैं, क्योंकि आई आई क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपन ये देख लिए, आगे देखते हैं फिर इसको और भी सिंप्लीफाई करके अपन लिख सकते हैं भी हमारा क्या हो जाएगा वोल्टेज जो हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अपन इसको और भी लिख सकते हैं करंट इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं आई एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा इक्वल्स टू वी एम बाय जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो अपन ये लिख सकते हैं करंट जो है हमारा क्या हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आई क्या होता है हमारा बी बाई जेड होता है, तो उसी प्रकार जो है बी बाई जेड लिखा हुआ है और साइन ओमेगा टी माइनस थीटा लिखे हैं अपन। तो एक्चुअली अपन देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया जाता है इसका। तो इसको अगर आप और भी अगर देखना चाहें डायग्राम के माध्यम से तो देख सकते हैं, ये हमारा वोल्टेज हो गया और दूसरा क्या है हमारा कैसे अपने को शो ऑफ करेंगे कि एक्चुअली करंट जो है लैग कर रहा है वोल्टेज से थीटा एंगल से। तो अपन ये साइन का जो है अपन देख सकते हैं ग्राफ और अपन जो है इसके माध्यम से जो है आपको बताया जा सकता है ये कैसे अपन सॉल्व करेंगे। तो अपन ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो है जो लैग कर रहा है थीटा से ये है थीटा, यहाँ पे अपन बताए थे करंट जो लैग कर रहा है वोल्टेज भी बाय एंगल थीटा से, और दूसरा जो है हमारा भी इक्वल्स टू हमारा हो गया भी एम साइन ओमेगा टी, और हमारा करंट जो था आई इक्वल्स टू आई एम और साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो अपन ऐसे एक्चुअली इसको समझ सकते हैं आरएल सर्किट को कैसे एक्चुअली टोटल डिटेल जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएं, और क्वेश्चन वगैरह जो रहेगा तो आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ आपको क्या है ये जो आपको फार्मूला वगैरह बताएं वो थोड़ा ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन बनाना जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको आरएल सर्किट के बारे में है डिटेल में समझ में आया होगा। धन्यवाद।